प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित जानकीपुरम विस्तार नई बस्ती में कूड़ा घर को बनते समय बताया गया कि यह नगर निगम का ऑफिस बन रहा है, जिसके कारण यहां के क्षेत्रीय लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन जब इनको यह पता चला कि यहां पे नगर निगम का ऑफिस ना बन करके यहां पे कूड़ा घर बनाया जा रहा है, उसके बाद से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। जी हाँ, बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से और कूड़ा घर के पास ही यहाँ पे इकट्ठा हुए लोग, जिसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम बात करते हैं इनकी क्या समस्या है यहाँ पे। अध्यक्ष जी, क्या समस्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर विधानसभा में बैठ के 403 विधायक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल का भविष्य तय करते हैं, उस विधानसभा की नाक के नीचे नवगठित वार्ड नंबर 22 के तिवारीपुर जानकीपुरम विस्तार नई बस्ती में एक नगर निगम के द्वारा, ये आप पीछे देख रहे हैं, 3 की बाउंड्री वाल करके पहले तो यहाँ के निवासियों को धोखे में रख के ये कहा गया कि यहाँ नगर निगम का कार्यालय बनेगा, और जब बाउंड्री इसकी कर ली उसके बाद रात के अंधेरे में चोरों की तरह नगर निगम के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने लाके यहाँ पर कूड़ा डालना शुरू कर दिया। लगभग 100 डंपर कूड़ा जब यहाँ पड़ गया, तब किसानों को, यहाँ के निवासियों को जब घरों में बदबू महसूस हुई, उन्होंने आके देखा तो यहाँ पर कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा था नगर निगम के द्वारा। दुर्भाग्य की बात है, इस डंपिंग यार्ड से मात्र 10 फीट की दूरी पे ये हमारा प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, जहाँ पर यहाँ के निवासियों के नौनिहाल बच्चे देश का भविष्य पढ़ते हैं, और उनको इस कूड़े की गंध सूंघने के लिए नगर निगम को कहीं जगह नहीं मिली लखनऊ के अंदर। इस स्कूल के बगल में जो बच्चे पढ़ेंगे इस कॉलेज में, स्कूल में, उनको सांस की बीमारी हो जाएगी, दमे की बीमारी हो जाएगी, और इससे निकलने वाला विषारयुक्त जहरीला जो गैस होगी, जो हवा होगी, पूरे क्षेत्र को रहने नहीं देगी। यहाँ के निवासी अपना घर बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हमको भी यहाँ पर बुलाया गया, मैंने आके देखा नगर निगम क्षेत्र में आने के बाद दुर्भाग्य की बात है, कैसा यहाँ का प्रधान रहा होगा और नगर निगम क्षेत्र यहाँ के निवासियों के जीने का अधिकार मरने की व्यवस्था पहले सोच लेता है, आने जाने